सारे भैन भाइयों सलाम हो जातकां बजुर्गां ते माइयां नूं सलाम होवे। अज दी गल दे नाल नासर जमील हाजिर खिदमत है और अज दी गल जिहड़ी है उह असीं कर रहे हां हाफिज़ लियाकत साहब दे नाल। हाफिज़ लियाकत साहब एक मजहबी स्कॉलर ने और एक बहुत ही जबरदस्त समाजी रहनुमा भी ने और इंटरफेथ हारमनी दे यानी जी मजहबी हामांगी दे उत्ते काफ़ी देर तो काम कर रहे हैं। असीं इन्हां दे काम नूं भी सराहने हां और इन्हां दी जिहड़ी गुफ्तगू है वह अज असीं सुणांगे और खास तौर पर अज क्यों अज रमज़ान शरीफ के हवाले नाल असीं प्रोग्राम कर रहे हैं जिहड़े इस्लामी रोजे ने उन्हां दे मुतलक गलबात करांगे और नाल ही नाल एक बड़ा खुशगवार इतफाक भी है कि इस दफा जिहड़े ने मुसलमानों के और मसीहां दे रोजे जिहड़े ने इकट्ठे चल रहे हैं और कोई डेढ़ हफ्ते बाद 10 दिन बाद जिहड़ा है वह 10-12 दिन के बाद एक जिहड़ा असी ईस्टर डे है वह मनावांगे। मीनवाइल जिहड़ा है चर्च जिहड़ा है कलीसिया जिहड़ी है वह क्योंकि रोजे रख रही है और नाल ही साडे जिहड़े अक्सरीयती आबादी है मुसलमान जिहड़े साडे भैण भरा ने वह भी रोजे रख रहे हैं और क्यों जो असी इस पाकिस्तान दे विच इकट्ठे रहण दे हां तो असी मुनासिब जाने भी अज हाफिज़ लियाकत साहब नूं दे नाल असी गलबात करिए और रोजे की अहमियत रोजे की जिहड़ी रूह है और रोजे की जिहड़ी गलबात है उसी उन्होंने करिए क्यों जो रोजे नूं अरबी च सौम कहिंदे ने। सौम का मतलब है ठहर जाना रुक जाना और अपने आप नूं किसे काम तो या किसे गल तो रोक लेना। सो असी जाणांगे कि जिहड़ा ये एक पंज जिहड़े रुकन इस्लाम दे उन्हां च एक फरीजा भी है तो असी जाणांगे कि इस फरीजे दे हवाले नाल और फिर खास तौर पर जो ये गैर मुसलमानों के नाल जिहड़े गैर मुस्लिम लोग ने पाकिस्तानी ने उन्हां नाल मिलते हैं और उन्होंने वास्ते काम करते हैं और खास तौर पर रोजे दिन जो काम करते हैं तो वो हवाले नाल इन्हां नूं किस तरह का फीडबैक आता है किहड़ियां मुश्किलां आउंदियां ने या किस तरह का जिहड़ा है लोगों का सुभाअ है असी उहदे बारे गलबात करांगे। हाफिज़ लियाकत साहब असी तुहानू अज दी गल दे विच और अपने अज दे प्रोग्राम दे विच असी तुहानू खुशामदीद आखदे हां और तुहानू रमज़ान मुबारक होए। खैर मालिक जी खैर मालिक बिस्मिल्लाह रहमान रहीम शुक्रिया मेहरबानी नासर भाई तुहाडी मुहब्बतां दा चाहतां दा। अलहमदुल्ला माह रमज़ान है रहमतां दा महीना स्टार्ट हो गया है तो मैं इंतहाई मशकूर हाँ तुहाडे चैनल का कि तुसीं सानू अज मौका दिता असी अपनी आवाज़ ताडे चैनल थ्रू तमाम अपने मसीह बहन भाई पाकिस्तानी बहन भाई की तवज्जो दिलान चाहते हैं तो मुसलमानों की तरफों मैं अलहमदुल्ला अपने मसीह बहन भाइयों भी ताडे रोज़े की मुबारकबाद पेश करना चाहना वा तो उस तो हट के क्योंकि जेडे माहे रमज़ान के रोज़े ने बेसिक मुसलमाना ते फर्ज ने ठीक है और ये रमज़ान जिहड़ा रमज़ान का महीना है बेसिक रहमतों का महीना है खुदा को रो रो के माफ़ी मंगन का महीना है ठीक है। इस हवाले नाल भी अपनी गुफ्तगू होगी और इंशाल्लाह जिहड़े साडे बहन भाई मसीही बहन भाई ने उनका दे रोज़े ने इंशाल्लाह उस रोज़े हवाले नाल इंशाल्लाह अपनी गुफ्तगू होगी इंशाल्लाह जी। हाफिज़ जी सब तो पहला मेरा सवाल है वे कि आया जिहड़ा मुसलमानों का रोज़ा है या दूसरी किसी कौम दा खास तौर पर मसीहां दा रोज़ा क्योंकि मसीहां दे रोज़े चल रहे ने मैं अपने इंटरव्यू भी दस्या भी मसीहां दे रोज़े चलते पे ने की फर्क है तुहाडी नज़र च या इस्लामी लोगों दी इस्लामी रूह दी नज़र नाल जिहड़ा रमज़ान दे रोज़े माहे रमज़ान दे रोज़े ने यह मुसलमानों दे फर्ज़ ने यह इंदे कुछ दो चार वजूहात ने जिहड़ा मुसलमानों ते यह रोज़े पहले उम्मतां ते फर्ज़ सी मुसलमानों ते रोज़े फर्ज़ होए ने तकरीबन 1440 साल 1445 साल के लगभग तो जिहड़ा पहला रोज़ा सी साढ़े प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला रोज़ा 9 रमज़ान में रखा सी रोज़े पहले उम्मतां रखते सी पर फर्ज़ नहीं सी कुछ मुखय्यर अमीर हजरात होंदे सी रोज़े रखते नहीं सी वो अपनी जगह पर किसी गरीब को फिदिया दे देंदे सी भी साढ़े वालों तुसीं रोज़ा रख लो जी जी। तो जो इस्लाम नाजल होया इस्लाम फर्ज होया उस बाद साढ़े दीन च यह रोज़ा मुसलमान ते हर अमीर ते गरीब ते फर्ज हो गया है। उस तो पहले कुछ अमीर लोग रखते सी तो गरीब फिदिया नहीं दे सकते और रोज़ा रख लेते सी इस्लाम जो नाजल होया इस्लाम ने हर अमीर ते हर गरीब ते रोज़ा फर्ज करार देता है और जो रोज़े ने मसीहा दे साढ़े भाइयों के यह रोज़े बेसिक उनका दी कलीसिया है उन्होंने दसिया सी भी तुसीं रोज़ा रख सकते हो जे तुसीं किसी की इबादत करनी किसी वास्ते दुआ करनी तो तुसीं रोज़ा रख के उन्हें वास्ते दुआ कर सकते हो और इनका सवाब बेसिक इनका सारा दारो मदारिक नीयत है इंसान की नीयत है तुसीं रोज़ा रखोगे उनकी नीयत है असीं रोज़ा रखेंगे साढ़े फर्ज शुमार होंदा है। और उस हवाले नाल मैं तुहाडे चैनल के साथ साथ एक गल होर भी अर्ज करना चाहना वा बेसिक रोज़ा जिहड़ा है मूँह बंद करन दा नहीं है
ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੌ ਗਿਆ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਬੇਸਿਕ ਰੋਜ਼ਾ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਮਾਮ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗਿਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੱਜ ਕਰ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅਮਲੀ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗਿਬਤ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਪੋਗੈਂਡਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਬੇਹਜਾਈ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਰੋਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾ ਬੇਸਿਕ ਪੂਰੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ ਅੱਖ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਮਸੀਹੀ ਰੋਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਰੋਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਐਂਗਲ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਸਵਾਬ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਅਸਲ ਸਵਾਬ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ੀਰ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੈਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਮੀਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਰੋਜ਼ਾ ਖਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੀਰ ਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਨੇਕੀ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਈਏ 100 ਬੰਦਾ ਲਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਅਮੀਰ ਕਰੋ ਕੋਠੀ ਕੋਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਬੇਸਿਕ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਬਾਦੀਆਂ ਜਾਓ ਗਰੀਬ ਗਲੀ ਮਹੱਲਿਆਂ ਜਾਓ ਉਹ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮਸੀਹ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰੋ ਬਿਲਾ ਤਫਰੀਕ ਬਿਲਾ ਮਜ਼ਹਬ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰੋ ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਮਸੀਹ ਬਹਿਣ ਬਾਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹਿਣ ਬਾਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਿਲਾ ਮਜ਼ਹਬ ਬਿਲਾ ਤਫਰੀਕ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੀਲਸ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅਫਤਾਰੀ ਦਾ ਖਾਸ ਖਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਫਤਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੀਲਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੇਸਿਕ ਇਸਲਾਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇਸਲਾਮ ਬੇਸਿਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਵਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਮਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹ ਸੱਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਸੱਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਿਖਲਾਵੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੋ ਰੈਸਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਮਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਨੂਦੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਰੋਜ਼ਾ ਇਫਤਾਰ ਹੋ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕਰਾਉਣਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਗਰ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ੇ ਨਾਲ ਡਬਲ ਸਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਰਾਤ ਕੋ ਰੋਤੇ ਰੋਤੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਕੇ ਸੋ ਗਈ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਰਾਤ ਕੋ ਰੋਤੇ ਰੋਤੇ ਬਰਤਨ ਖਾਲੀ ਦੇ ਕਰ ਸੋ ਗਈ ਆਜ ਲੋਕ ਕਹਤੇ ਕਿ ਹੱਜ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਹੱਜ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਇਲਤਜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੁਮਾ ਖੁਤਬਾ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਕੀਕੀ ਤਸੱਵਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਤਫਰੀਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8.2 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾਲ ਮਸੀਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 30 ਕੁ ਦਿਨ 25-30 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਕੋਈ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਕਤ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮਸੀਹੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਭੈਣ ਅਤੇ ਭਾਈ ਨੇ
मैं चाहना हुकूमत पाकिस्तान जिस तरह रमजान च मुसलमानों उनकी आसाइशा फराहम की जाने ने आटा सस्ता चीनी घ्यो सब सस्ता किया है लाइट की लोड शेडिंग नहीं की जाती भी मुसलमान आदि रोजे ने तो इस तरह मैं चाहना वा हुकूमत पाकिस्तान इस्लाम की रूह न मैं अलहमदुल्ला यह गल कुरान पाक साबित भी कर सकना वा कि इस्लाम की रूह न मुसलमाना तो वध के मसीहों के भी हक है कि उनके जो दीनी इबादत हो उनकी सिक्योरिटी दी जाए उनके चर्चों को सिक्योरिटी दी जाए उनके पास रमजान बाजार लगे जो साडा रमजान बाजार लगता है मसीहों की भी रमजान बाजार लगने चाहिए उन्होंने रिलीफ भी मिलना चाहिए है ए बेसिक यह साडे हुक्मरान की जिम्मेदारी है जो मौजूदा पाकिस्तान हुक्मरान हो चाहे किस पार्टी का हो उनका भी जिम्मेदारी है कि मसीहों को भी बराबर ही मुसलमान जिन्ना हक करा दिता जाए बहुत अच्छा हो गया आखिरी हिस्सा सी जिहड़ा है आखिरी सवाल इहनूं समझांगे कि फितराना एक चीज़ है जिहड़ा ईद उल फितर तो पहले अदा करना हुंदा है मतलब ईद की नमाज पढ़ने तो ईवन पहले तुसीं अदा करना हुंदा है ये फितराने की जिहड़ी शरह है वह तो वक्त नाल बदलती रहिंदी है वह क्योंकि जिहड़ा भी उहदी शरह हुंदी है वह उहदे ते हुंदी है कि कौन कितना मालदार है और कितने को कितनी चांदी और कितना सोना उस हिसाब नाल उहदी कीमत की बनती है पैसा कितना है उहदे हिसाब नाल दौलत नाल बनता है ये फितराना जिहड़ा है सिर्फ मस्जिदां च जमा कराना है या असल च कोई माड़े गरीबां नूं भी दिता जा सकता है अच्छा बेसिक जो फतराना है ना बेसिक यह किसी गरीब का हक है जी यह मस्जिद में नहीं लगता असी उलमा कराम ने गलत रंग दे दिता है असी मस्जिदों च लै जाने मदरसों में लै जाने असी इस तो जिहड़ियां सरकारी तनजीमां ने एनजीओज ने उस तो फायदा चुकते हैं बेसिक जो फतराना है ताडे पहलों तुम अपने खानदान च वेखा ताडे मामों चाचा ताया उनकी कुड़ी गरीब है हकदार उन्होंने देना अगर ते खानदान च कोई हकदार नहीं है तुम अपने महल से चैक करना यह फताना महल च देना बेसिक बड़ी बड़िया यूनिवर्सिटियां अदारे ने बेको रमजान आंदा है वह फताना मंगते नहीं मेरे इस्लाम की रूह नाल फताना सब तो पहलो ते महलदारा रिश्तेदार हक है मेरे ख्याल के मुताबिक शायद एक फितराने की एक वजह भी हो सकती है किस तरह जो लोग मतलब रमजान दी खुशियां ईद उल फितर दी खुशियां शामिल नहीं हो सकते तो ईद की नमाज तो पहले उन्होंने दे देंगे जो भी फिर मतलब अपने खराजात वगैरह खुशियां शामिल हो जी मेरे बहन भाई माली तौर पर नहीं मजबूत हो गए तो बेसिक सलाम एक नरमी का ही सलाम दसदा यार जो ताडा भरा कमजोर मोढ़े मोढ़ा ला के तोरो असं चाहते हैं क्योंकि कुरान की आयत भी हैगी है शाह रमदान लजी ऊ जिला फेहल कुरान अल्लाह ताला फरमांदा जिहड़ा रमजान का महीना रहमत का महीना है बरकत का महीना है यह महीना पूरा साल इंसान गुनाह करता अल्लाह ताला कहना तुसी मेरी बारगाह चाहो मैं ताडे गुनाह माफ करना बेसिक यह महीना रहमतां दा महीना है तुसी अपने बहन भाइयों ते अपने जिहड़े ताडे मल्लेदार ने उन्हां ते हिम्मत करके हौसला करके तुसी उन्दे वल रजू करो अल्लाह को रो रो के माफ़ी मंगो तो बेसिक अजकल असी सारे फैशन बना लिया है असी रोजे नू एक जिद्दत नाल वक्त नाल तब्दील कर लिया है तो मैं ताड़े चैनल जरिए तमाम मुसलमान अपने अकाबरीन नू पैगाम देना देना यह मैसेज देना चाहना वा कि असी साडे मसीह बहन भाइयों के रोजे भी शुरू ने तो साडे मुसलमान ने रोजे अलहमदुल्ला कट्ठे शरीक हो गए ने ते मैं चाहना वा कि तमाम मुसलमान एक दूसरे की अफतारी शरीक होन मसीह मुसलमान अफतारी करवान मेरे मुसलमान भाई अपने मसीहों की खुशियां शरीक होन और इस तो वध के अगे ईस्टर का प्रोग्राम ही आ रहा है जी 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 जी, जी अलहमदुल्ला मसीह की ईद आ रही है मसीही बहन भाइयों की भी ईस्टर आ रही है उस हवाले ना भी असं अपने उलमा कराम नू इल्तजा करने चाहते हैं कि तुम भी अपने मसीह बहन भाइयों की उनके खुशी शरीक होवो तो असं एक दूजे को एक दूजे खुशियां शरीक होना चाहते हैं इनके नाल साडा जो मुल्की सालमियत वह भी मजबूत होगी जिहड़े मुल्की साजिशा ने वह भी बेनकाब हो जाएगियाँ क्योंकि अगर सारे मुसलमान मसीह बहन भाई इस मुल्क से रल मिल के रहेंगे तो अल्लाह के हुक्म नाल साडी अख अख पा कोई नहीं वेख सकता बहुत शुक्रिया नाजरी ने इस मुल्क बतौरे अकलीत सू सौ तरह के गिले ने अपने अक्सरीयती दोस्तों को मुसलमाना को सू हर तरह के मसाइल ने गिले ने लड़ाइया ने झगड़े ने सारा कुछ मौजूद है लेकिन हाफिज़ लियाकत वर्गे लोग और हाफिज़ लियाकत और इन वर्गे जो दूसरे लोग ने उन्होंने जो गलबात सुनी दी तो उम्मीद की खुशी की हमांगी की मुहब्बत का पैगाम जो साढ़े तक पहुँचता है वो ना सिर्फ साढ़े दिल वध जाते हैं बल्कि नाल ही मुहब्बत भी वध जाए सो काश के तमाम जड़े मुसलमान उलमा ने वो हाफिज़ लियाकत वांगू सोचन
और तमाम मसीही उलमा जड़े ने वह भी सानू जिस तरह ऑलरेडी मुहब्बत का दरस देंगे ने ना सिर्फ अपनी हद तक मुहब्बत का दरस देन बल्कि यहोजे जोड़े लोग जो मुहब्बत का पैगाम फैला रहे हैं उन्होंने हथ च हथ पा के अगे वधन की कोशिश कर। मैं उम्मीद है कि एक वक्त जरूर आएगा जदों असी सारे मुसलमान और मसीही एक दूसरे के दीन की ना सिर्फ कदर करांगे पर एक दूसरे के अकायद नूं समझ के ते एक दूसरे के अकायद की जिहड़ी है ना सिर्फ इज्जत करांगे बल्कि उन्हां दे नाल मिल के उन्हां दी खुशियां च शरीक भी होया करांगे। इस उम्मीद की और इस ख्वाब की तकमील जिन्नी जल्दी होएगी उन्नी ज़्यादा खुशी होएगी। मेरे वालों ते हाफिज़ लियाकत वालों अज दी गल नूं इत्थे मुकाने आ। रब रखा।